जय जिनेंद्र दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन खजाना में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक टेस्टी स्नैक की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं मसाला भरवा इडली। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कुकर में पानी डालकर कच्चे केलों को एक सीटी लेकर उबाल लिया है। हमारे कच्चे केले अच्छी तरीके से पक चुके हैं और हमने इन्हें प्लेट में बाहर निकाल लिया है। हमने तुरंत ही कच्चे केलों के छिलके उतार लिए थे, लेकिन आप लोग इनके ठंडे होने का इंतज़ार कीजिएगा और उसके बाद सभी केलों के छिलके उतार के इनको अलग कर लीजिएगा। लीजिए, हमने इसी तरह से सारे केलों के छिलके उतार लिए हैं। अब हम हमारा मसाला बनाने के लिए सभी केलों को पीसेस कर लेंगे, जिसके लिए पहले हमने इसे 4 पीस में कर लिया है, उसके बाद सभी को पीसेस में छोटा और कर लेंगे। ऐसा करते हुए हमें सारे केलों के पीसेस रेडी कर लेने हैं। आप लोग ये मसाला आलू से भी बना सकते थे, लेकिन कच्चे केलों का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि कच्चे केले में काफ़ी फाइबर्स होते हैं, साथ ही साथ उसमें हेल्दी स्टार्च प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ कच्चा केला डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने में मददगार रहता है और जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनके लिए कच्चा केला काफ़ी हेल्पफुल होता है। कच्चे केले के बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए हमने आलू की जगह इसको प्रेफर किया है। लीजिए, हमारे कच्चे केले कट चुके हैं, अब हम उन्हें अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। ऐसे करते हुए हम सभी केलों को अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि हमारा मसाला काफी अच्छा बने। अब हम स्टफिंग के लिए मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई को हाई फ्लेम पर रखकर हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, साथ ही में बारीक कटी हुई 2-3 हरी मिर्च, 5 से 6 कड़ी पत्ता, साथ ही में हम डालेंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और शक्कर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे मैश करे हुए कच्चे केले और सभी को मिक्स करते हुए हम हमारा स्टफिंग का मसाला रेडी कर लेंगे। ऊपर से हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, जिससे इसका कलर और अच्छा आ जाएगा, साथ ही में 1 चम्मच नींबू का रस। लीजिए, सबको मिक्स करते हुए हमने हमारी स्टफिंग रेडी कर ली है। ऊपर से आप इसे गार्निश कर सकते हैं हरे धनिए के साथ। अब हमारा मसाला रेडी हो गया है और अब हम इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ हम हमारे इडली बनाने का काम स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए हमने पहले से ही इडली का बैटर बना लिया था। ये इडली का बैटर चावल का है, आप चाहें तो आप रवे का बैटर भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसे फिर से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के लिए। हमें बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा।
और फिर से सबको मिक्स कर लेंगे। आप बेकिंग सोडा की जगह इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम हमारे इडली के कुकर में थोड़ा सा पानी भरकर उसे उबलने के लिए रख देंगे। अब हम हमारे इडली पॉट को ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि इसमें हमारा इडली का बैटर चिपके नहीं और हमारी इडली काफ़ी सॉफ्ट और खिली खिली निकले। देखिए, ऐसे करते हुए हमने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आपको अच्छी तरीके से सभी प्लेट्स पे इस तरीके से इसको ग्रीसिंग कर लेनी है। लीजिए, हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे इडली के शेप के हिसाब से इनकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर रख लेंगे। ऐसा करते हुए हम सारी लोइयां तैयार कर लेंगे। हमें इडली में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है, इसीलिए आप इडली के साइज़ के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग इसकी लोइयों को शेप दे दीजिएगा। लीजिए, हमारी सारी लोइयां बनकर तैयार हैं। अब हम हमारे पॉट में इडली का बैटर पोर करेंगे। पहले हमने थोड़ा सा बैटर इसमें डाल दिया था, उसके बाद हम इसमें हमारी बनाई हुई मसाले की लोइयां डालेंगे और इसे फिर से हम थोड़ा सा बैटर डालते हुए पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। लीजिए, ऐसा करते हुए हमने सभी पॉट्स में हमारा बैटर और मसाला डाल लिया है। अब हमारे सारे इडली के पॉट्स रेडी है। अब हम इन सबको अरेंज करके हमारे कुकर में डाल देंगे। देखिए, हमारा पानी उबल चुका है और अब हम इसके अंदर हमारे सारे पॉट्स को प्लेस कर देंगे। अब इन्हें हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। देखिए, हमारी गर्मा गर्म इडली अब तैयार हो चुकी है। लीजिए, हमने इन सभी को निकाल लिया है। अब हम सारी प्लेट्स में से हमारी इडली को उसमें से निकाल लेंगे। हल्के से चाकू से इसे एजेस पर रब करते हुए हम सारी इडलियों को निकाल के अलग कर लेंगे। लीजिए, हमारी टेस्टी सी भरवा इडली रेडी है। अब आप इसे दाने की चटनी के साथ, शेजवान सॉस के साथ, इमली की चटनी के साथ या फिर खोपरे की चटनी के साथ सर्व कीजिए। ये सारी ही टिप्स आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।